आदिवासी लड़की लोग इतने आगे बढ़ रही है, हर जगह हर फील्ड में मतलब भाग ले रही है और बढ़ चढ़ के अच्छा रिजल्ट ला रही है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जितने भी आदिवासी भाई बहन है या तो लड़की है जो इस वीडियो को देखेंगे, वो देख के सीखे और आगे बढ़े, हमेशा डट के और किसी से ना डरे। और मैं यही चाहती हूँ कि फिटनेस ऐसा चीज है कि हर किसी को जरूरत पड़ती है। आदिवासी समाज से आप आती हैं, कितना मुश्किल हो पाया यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि समाज सबसे पहले तो इन चीजों पर मतलब इजाजत नहीं देता। सबसे पहले तो बहुत मुश्किल था यहाँ पे, क्योंकि पावर लिफ्टिंग में डाइट सबसे ज्यादा मेंटेन रखता है, मायने रखता है, ठीक है ना। तो पहले तो मेरे पास डाइट वाइट का कुछ ऐसा नहीं था, और हम लोग थोड़ा मिडिल फैमिली के हैं तो उतना हम मैनेज नहीं कर पाते थे, लेकिन सर बहुत हेल्प किए हैं सारा कुछ। और पर एक अपना वो पैशन है कि इसी फील्ड में, मैं एक फिटनेस ट्रेनर भी हूँ, तो मेरा रहता है कि इसी फील्ड में रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो सरकारी मदद मिल पाती है? नहीं, सरकार की तरफ से तो अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, बस हम लोग अपना डाइट पे जो कुछ करते हैं सब अपने से खुद से। झारखंड के आदिवासी युवा अब हर क्षेत्र में अपना नाम कर रहे हैं, कई आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, कई बहुत अच्छे अच्छे खेल में जा रहे हैं, कई क्रिकेट में जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने रॉबिन विंज का नाम सुना, उससे पहले सुजीत मुंडा का नाम सुना। अब हम जिन बच्चों से आपको मिलाने जा रहे हैं, वो बच्चे पावर लिफ्टिंग में अपना नाम कर रहे हैं, पावर लिफ्टिंग में झारखंड का नाम और अपने समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे साथ ये दो जो चेहरा आप देख रहे हैं, बाकी ये लोग समर्थक हैं, लोगों का नई व्यागत को दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो तो चेहरा सामने है, ये बेंच प्रेस, पावर लिफ्टिंग के अंदर जो बेंच प्रेस आता है उसमें इनको अभी अवार्ड मिला है, क्वींस ऑफ झारखंड शायद उस पर बोला गया आपको, नहीं। और इस जो आप देख रहे हैं ये इनको डेड लिफ्ट में क्वींस ऑफ झारखंड का अवार्ड मिला है। ये जो दो बड़ा बड़ा ट्रॉफी देख रहे हैं ये इनको मिला है, ये दोनों आदिवासी समाज से आती हैं, ये दोनों आदिवासी कम्युनिटी से आती हैं। हम इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि कितना संभव हो पाया, कैसे संभव पाया यहाँ तक पहुँचना, क्योंकि लड़कियों को पावर लिफ्टिंग करने देना समाज के अंदर, परिवार के अंदर, उसमें लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। लड़के कर लेते हैं, जिम जाते हैं, कर लेते हैं, लेकिन आदिवासी समाज से निकल आदिवासी समाज से आने वाली लड़कियों के लिए कितना मुश्किल है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अश्रिता तिर्की है। कहाँ घर वो? मेरा घर रांची फांके। कितना वजन उठाए थे ऐसे आप? मैंने बेंच प्रेस में 85 केजी उठाई। ये आपको मिला है अवार्ड जी? कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं, कितना लंबा संघर्ष रहा है? मेरा पावर लिफ्टिंग में 2 साल हो गया, और सबसे पहले मैं तो अपने फिटनेस के लिए आई हुई थी, लेकिन इकलाक सर ने मुझे प्रेरित किया पावर लिफ्टिंग के लिए, और उन्हीं की आज उनको बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो आज मेरे को यहाँ तक आगे बढ़ाया, इसके लिए थैंक यू सर को। अच्छा, आदिवासी समाज से आप आती हैं, कितना मुश्किल हो पाया यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि समाज सबसे पहले तो इन चीजों पर मतलब इजाजत नहीं देता। सबसे पहले तो बहुत मुश्किल था यहाँ पे, क्योंकि पावर लिफ्टिंग में डाइट सबसे ज्यादा मेंटेन रखता है, मायने रखता है, ठीक है ना। तो पहले तो मेरे पास डाइट वाइट का कुछ ऐसा नहीं था, और हम लोग थोड़ा मिडिल फैमिली के हैं तो उतना हम मैनेज नहीं कर पाते थे, लेकिन सर बहुत हेल्प किए हैं सारा कुछ। और जी और जिनको डेडलिफ्ट में क्वींस ऑफ क्वींस का अवार्ड मिला है वो है हमारे साथ, क्या नाम हो? मेरा नाम पूर्णिमा कंडुलना है और मैं रांची बूटी मोड़ में रहती हूँ। आप पूर्णिमा के बारे में जानते हैं, हमने पूर्णिमा को पहले भी दिखाया है, पूर्णिमा इससे पहले भी विनर हो चुकी है, वो भी हमने दिखाया है। पूर्णिमा का 13 साल का बेटा है, और पूर्णिमा उसके बावजूद भी परिवार और सब कुछ को संभालने के बावजूद भी यहाँ तक पहुँचती। कितना वजन उठाया था? 150 केजी डेडलिफ्ट में। तो कितने सालों से आप यही कर रहे हैं? मेरा 3 साल हो गया इस फील्ड में, और नेशनल भी खेले हुए हैं, अभी स्टेट यहाँ पे चल रहा है, दुबई खेल रहे। इसके बाद कहाँ जाना है? इसके बाद और आगे अगर इंडिया लेवल पे हो, एशिया वाला जो गेम होता है उस पे जाना चाहती हूँ। लेकिन आप लोग जिस खेल को खेलते हैं इसको बहुत मतलब जगह नहीं दिया जाता। हाँ वो तो है, पर एक अपना वो पैशन है कि इसी फील्ड में, मैं एक फिटनेस ट्रेनर भी हूँ, तो मेरा रहता है कि इसी फील्ड में रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो सरकारी मदद मिल पाती है? नहीं, सरकार की तरफ से तो अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, बस हम लोग अपना डाइट पे जो कुछ करते हैं सब अपने से खुद। कोई सरकारी मदद मिल पाई आप? नहीं मिला है सर, उम्मीद करते हैं। प्रोत्साहन कोई कुछ? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। अपने ही से खेल रहे हैं? जी सर, खुद से पैसा अपना मिलाओ खेलो।
कैसे खुद से पैसा हो पाता है? काम भी करते हैं नहीं जैसे हाँ, पहले करते थे लेकिन अब छोड़ दिए। जी खिलाक सर की बार बार बात हो रही है, वो भी हम लोगों के साथ है। दोनों के कोच हैं आप? यस सर। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। ये बच्चे हमारे ही हैं, इन लोगों को बहुत नीचे से उठाया गया है। एक्चुअल में इन लोगों के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है और ये बच्चे हमारे पास ही ट्रेनिंग करते हैं और बहुत ही जुझारू है दोनों, काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस करते हैं और बहुत ही मतलब एक क्या कहा जाए कि इन लोगों के अंदर एक अलग सा जज्बा है, इसलिए इन लोग आज झारखंड में चैंपियन हैं। और इन लोगों का परफॉर्मेंस इतना है कि इन लोग अपने बॉडी वेट में इंडिया के चैंपियन एथलीट है, बट अभी तक इंटरनेशनल नहीं जा पाए हैं। कोशिश करेंगे कि इन लोगों को इंटरनेशनल तक ले जा सकें। सरकारी कोई मदद मिल पाती है इन लोगों को, आपको कोई प्रोत्साहन? हम तो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, नहीं कभी नहीं मिल पाया। कभी नहीं। एक हम लोगों का अपना कांके में जिम हुआ, वहीं पे ये बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, बहुत से बच्चे ट्रेनिंग करते हैं हमारे अंडर में। सभी स्टेट के चैंपियन एथलीट है, लड़का हो लड़की हो, समझ गए। लेकिन अभी हम यूनाइटेड पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी हुए हैं। अभी उन फेडरेशन से मैं चाहता हूँ कि इन बच्चों को इंटरनेशनल तक ले जाऊँ और सरकार से कुछ मदद मिले कि इन बच्चों को इंटरनेशनल तक पहुँचा सकूँ। बस इन लोगों का एक सपना है कि इंटरनेशनल खेले और सरकार इन लोगों को एक जॉब दे सके, ये मेरा सपना क्या है। क्या इस खेल में जॉब के आसार हैं? इस खेल को जगह दी जाती है? अभी तक तो नहीं दी गई है। तो एक आदमी भी नौकरी मिला है खेल को? हाँ, कुछ कुछ सीनियर प्लेयर लोगों को नौकरी मिला, रेलवे पुलिस काफ़ी के मुँह मिला है, बट हमारे बच्चे अभी मतलब सरकार की नज़र में नहीं आ पाए हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे बच्चों को सरकार के समीक्ष पहुँचाए और इन लोगों को आगे तक बढ़ने की मतलब जो भी है राशि मनी दें। ये अपने मेहनत से ये लोग अपने दम पर अपना खर्च करके, कुछ लोग ट्रेनिंग देते हैं, कुछ लोग कुछ काम करते हैं, यहाँ तक पहुँचते हैं। दोनों के समर्थक भी यहाँ मौजूद हैं। आप तो बीच में खड़े हैं जैसे आप ही मिला है टाइप। नहीं हाँ बिल्कुल सर, क्यों नहीं, मेरी फ्रेंड है, बहुत खुश हूँ। क्यों खुश नहीं, क्योंकि साथ में रहते हैं और मेरे सर एक लाख सर उसी के साथ में ट्रेनिंग करते हैं, मेरी फ्रेंड है, हम लोग साथ में ट्रेनिंग करते हैं, साथ में जिम करते हैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ जो मेरी फ्रेंड ये जीती है, तो इसलिए मैं हमेशा इसके साथ रहती हूँ। मैं भी खेलती हूँ बट मेरा घर का सिचुएशन अच्छा नहीं था, इस वजह मैं पार्टिसिपेट नहीं की और नहीं खेली, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं अच्छा तैयारी करके अच्छा खेलूंगी। अच्छा, आप भी आदिवासी समाज से, क्या नाम हुआ? मैं लक्ष्मी मुंडा, मैं रांची की रहने वाली, मैं भी एक ट्राइबल लड़की हूँ, आदिवासी लड़की हूँ मैं। कितना इतने लोग में ये दो आदिवासियों को मिला है ये अवार्ड, ये क्वींस ऑफ क्वींस झारखंड का, कैसे महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि आज आदिवासी लड़की लोग इतने आगे बढ़ रही है, हर जगह हर फील्ड में मतलब भाग ले रही है और बढ़ चढ़ के अच्छा रिजल्ट ला रही है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जितने भी आदिवासी भाई बहन हैं या तो लड़की हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, वो देख के सीखे और आगे बढ़े, हमेशा डट के और किसी से ना डरे। और मैं यही चाहती हूँ कि फिटनेस ऐसा चीज है कि हर किसी को जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है कि मतलब जो गाँव पे या घर पे या तो बाहर पे, उसको हर किसी को जरूरत है। और मैं चाहती हूँ सब लड़की लोग देखे वीडियो और जिम जाए, कोशिश करे खेले आगे बड़े, हर फील्ड में जाए, कुछ नहीं करे। नहीं सर, हर फील्ड में जाए सर, ऐसा नहीं, लेकिन एक जिम जाने बोल दे। हाँ बिल्कुल सर, क्यों नहीं, जिम मतलब हेल्थ के लिए जरूरी है जिम जाना, चाहे घर पे काम। और लोग जो इस पूरे कार्यक्रम के और इन लोगों के जो सहयोगी थे, कृष्णा नाम है, कृष्णा नायक है, गेस्ट ऑफ ऑनर भी मिला है इनको, नहीं जी कैसा ना हो, सब तो ठीक है, हो चलत हो बढ़िया से। सरकार तो तुहिन कर खेला के तो जगवे नहीं देवत, वही चीज हो ने, एक रेल से सब कोई बहुत कोई छोड़ देवत है कि मान्यता देना चाहिए गेम के कि पावर लिफ्टिंग हो लगा चाहिए, पहले इस सब के ध्यान देवे चाहिए। और तुम पावर लिफ्टिंग करे थे? हाँ करियो ला कभी कभी, अभी छोड़ दी। हाँ कते वजन उठाते लास्ट? हम बॉडी बिल्डिंग मिस्टर झारखंड अपना कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल आया हुआ है और पावर वेट लिफ्टिंग में वर्ल्ड इंडिया पावर लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल अपना कैटेगरी पे है। इस पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइजर में थे आप? जी हाँ। क्या लक्ष्य रहता है आप लोग का इसको ऑर्गेनाइज करने का, ऐसे लोगों को जमा करने का, फिर खेल खिलवाने का, फिर प्राइज देने के? जागरूक जो है ना, ऊर्जा अंदर से लाने के लिए ये सब गेम, कि आजकल का बच्चा लोग देख रहे हैं इधर उधर चला जा रहे हैं, इसलिए नशा पानी हर एक चीज अलग फील्ड हो जा रहे हैं ना, अलग ट्रैक पे चले जा रहे हैं, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं पावर वेट लिफ्टिंग करें, हर चीज फिजिक्स अच्छा रहता है, माइंडलिटी बढ़िया रहता है, स्ट्रॉन्ग रहते हैं। अब इसलिए इस खेल को खेलने के लिए आपको पता होना चाहिए कि बहुत मेहनत और बहुत डाइट की आवश्यकता पड़ती है, जो बहुत महंगा होता है,
और जो आप जिन दो बच्चों को आप देख रहे हैं जिनको यह प्राइज मिला है, जो ये विनर हुई हैं, ये अपने दम पर यहाँ तक पहुंची। इस बच्ची को जो बीच में आप देख रहे हैं ये भी पावर लिफ्टिंग करती है, और इनसे जो हम लोग बात कर रहे थे तो पता चला कि ये नर्सिंग का काम करती हैं, परिवार की माली स्थिति खराब है, उसके बावजूद भी ये इस काम को करती है। क्या? यस सर, मैं भी एक पावर लिफ्टर हूँ और मैं बहुत गरीब से हूँ, और इसी की वजह से यहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, क्योंकि घर का हालात अच्छा नहीं है इसके वजह से, ठीक है। और मैं काम भी करती हूँ और काम के साथ साथ मैं अपना पावर लिफ्टिंग भी करती हूँ, और जहाँ गेम भी होता है पार्टिसिपेट मैं वहाँ भी करती हूँ, बस इसलिए। तो राज्य सरकार और जो भी अधिकारी खेल विभाग के देख रहे होंगे, खेल मंत्री साहब देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो उम्मीद करेंगे कि इन बच्चों के प्रोत्साहन को और बढ़ाया जाए, इनको प्रोत्साहित किया जाए, लोग आगे बढ़ेंगे तो देश का, राज्य का, समाज का और तमाम राज्यवासियों का नाम रोशन होगा। बाकी हैं, हम लोग यहाँ मिलते हैं, जोहार।